दोस्तों बंका मशीन के इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि वर्टिकल टरेट मिलिंग खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कुछ ही दिनों में एक वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन खरीदना सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत देखना जरूरी है। वर्टिकल टरेट मिलिंग में दो साइजेस मिलती है, एक को हम कहते हैं M3 और उससे बड़ा साइज जो है उसे हम कहते हैं M4। इसमें हेड की दो तरह की स्पीड मिलती है, एक स्पीड मिलती है वेरिएबल और दूसरी मिलती है वो स्टेप बाय स्टेप मिलती है। उसमें 12 तरह के स्टेज होते हैं, तो पुल्ली 3 होती है, 3 पुल्ली मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो उसमें 6 स्पीडें पुल्ली से मिलती है। अब उसमें एक बैक गियर भी लगा हुआ होता है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 12 तरह की स्टेज में आपको स्पीड मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया हेड की स्पीड के बारे में दो ऑप्शन। अब आपको ये भी सोचना है कि इसके अंदर DRO लगा हुआ है या नहीं है। अगर DRO आपको मिल रहा है तो आप ये भी सुनिश्चित करें कि ये 2-axis DRO है या 3-axis DRO है। अब समझते हैं मिलिंग वाइस को। छोटे छोटे जॉब करने के लिए वाइस हमें ज़रूरी होता है। इस वाइस की क्वालिटी कैसी है ये भी हमें देखना चाहिए। कई मैन्युफैक्चरर इसे अलग से भी सजेस्ट करते हैं, तो आपको जब फ्री मिल रहा है या फिर आप अलग से इसको पे करने वाले हैं ये आपको देखना है। ऑयल पंप इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मशीन की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। अगर आप जानना चाहे कि ऑयल पंप कितनी जगह ऑयल पहुंचाता है तो उसकी जो नज़दीक की फ़ोटो है उससे आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने आउटलेट निकले हुए हैं और ये किन किन जगहों पे जा रहा है। ये मैन्युफैक्चरर से कंफर्म करने के बाद आप उसे ये भी पूछे कि मुझे मैन्युअली ऑयल कितनी जगह पे करना पड़ेगा। वर्टिकल मिलिंग मशीन के अंदर एक कूलेंट पंप इनबिल्ट होता है। उसकी जो टैंक है उसे हम कैसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और बदबू फैलाते हैं, तो इसको साफ़ करना भी आसान होना चाहिए। अब उसकी ट्रे आपको मिल रही है नहीं मिल रही है वो भी हमें सोचना है। कूलेंट को शुरू और बंद करने के लिए स्विच किस जगह पे दी गई हुई है ये भी आप देख लें। तो दोस्तों वर्टिकल टरेट मिलिंग मशीन में एक और बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर आपकी तीनों एक्सिस जेड एक्सिस एक्स एक्सिस और ऊपर नीचे होने वाली वाई एक्सिस तीनों एक्सिस को अगर आप ऑटो में चलाना चाहे उसकी ऑटो फीड में चलाना अगर आप पसंद करते हैं तो आपको कुछ और खर्च करना पड़ेगा और इस तीनों स्लाइड में आप मोटर लगी हुई भी खरीद कर सकते हैं। इस ऑप्शन के लिए आपको ये अलग से मांगना पड़ेगा। अगर आपने इस बात को गौर से समझ लिया है तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से आप प्राइस मंगवा सकते हैं और ध्यान से कॉर्ड को समझने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।